दिल्ली ने खूब किया था प्रयास, बट इस साल का किंग कोहली है बॉस। कल की मैच जीतकर फिर से एक बार पहुंच चुके हैं नंबर वन पे पॉइंट टेबल पे। उसके साथ ही साथ आज के वीडियो में हम जानेंगे टीम नटराजन की इंजुरी के बारे में, एक अपडेट आया है इसके चलते हुए, क्या है वो अपडेट वो भी हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ फॉरेन प्लेयर्स को बहुत ही बड़ा लगा है झटका, तो क्या है वो झटका ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखते रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट ओलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करते रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच वाले यहाँ पे मैं करते रहता हूँ, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं देने की कोशिश करते रहता हूँ डेली। तो जो कि अभी मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बोलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोस आपके सामने लाता रहूं इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना देर से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एक तीन बड़े न्यूज आए, और उसके साथ ही साथ आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच हुआ था उसका रिव्यू कर लेते थोड़ा सा। सबसे बड़ी एक बहुत ही बेहतरीन एक न्यूज आई है इस मेरे पास जो है, मतलब टीम नटराजन की इंजुरी को लेके हुए, तो उसके साथ ही साथ मतलब यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं कि मतलब बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स बैकआउट हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कि मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स है तो फॉरेन प्लेयर्स की जिम्मेदारी वो अभी नहीं लेने वाले। तो उन्होंने उनका कहना यह आया कि दोस्तों कि अभी कोरोना के सिचुएशन में आप बिल्कुल भी अपने दम पे चले गए थे, तो बिल्कुल भी अपने दम पे लौटे, हम कोई भी फ्लाइट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी घर लौटने की, ऑस्ट्रेलिया में लौटने की। तो उन्होंने अपने हाथ निकाल लिए इस कोरोना के चलते, और मतलब ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है। एक इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे प्लेयर्स अभी इस साल आईपीएल में मौजूद है, जैसे कि स्टीव स्मिथ हो गए या फिर ग्लेन मैक्सवेल हो गए या फिर डेविड वार्नर हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब वेल डिजर्व प्लेयर यहाँ पे मौजूद है। बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि आपने बिल्कुल भी हमारी सुनी नहीं और मतलब आप चले गए इंडिया, तो अपने जिम्मेदारी पे आप चले गए थे, तो वैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी पे वापिस ऑस्ट्रेलिया घर लौटे, हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें। यहाँ पे इसके ऊपर एक और अपडेट आया है, बीसीसीआई ने इसके ऊपर ही और एक अपडेट दिया है, और मतलब फॉरेन प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स हुए होंगे उसके वजह से, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने ये कहा है कि मतलब हमारी जिम्मेदारी होगी कि मतलब आप जब तक आप घर नहीं लौटते तो तब तक हमारी जिम्मेदारी होगी, तो आप बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहे और इंडिया में आपको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसकी भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसे बीसीसीआई ने कहा है। तो बिल्कुल भी एक थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन खासकर जो प्लेयर्स मौजूद है उनको हुई होगी, तो बिल्कुल भी इसमें कोई संदेह नहीं कि बीसीसीआई उनकी मदद करेगी घर लौटते समय। बट फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही माहौल गर्मा गर्म हो गया है, और मतलब आरसीबी नंबर वन पे आ चुकी है, 2021 है, बट यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि मैं खुद आरसीबी का सपोर्टर हूँ। हाँ दोस्तों, मुझे गालियां पड़ती है बहुत ज्यादा मीम्स बनते हैं आरसीबी के, बट मैं उस टीम को दिल से चाहता हूँ कि वो टीम इस साल जीते, एक बार जीते, क्योंकि यार विराट कोहली बुरा लगता है यार, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है बट आईपीएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते भी है, बट उनकी टीम साथ नहीं देती हमेशा, कभी कभी थोड़ी सी कैप्टनसी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है यार दोस्तों। बट मुझे, मैं दिल से चाहता हूँ, आप कितना भी मुझे ट्रोल कर रहे हो, बट इस साल मैं बिल्कुल भी देखना चाहता हूँ आरसीबी को ये जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो लिफ्ट करते हुए मैं देखना चाहता हूँ, बट देखते कि क्या होता है आगे, उसके लिए तो बहुत टाइम है। बट अभी फिलहाल 6 में से 5 मैच जीतकर अभी सिर्फ एक ही हारे, और उसके साथ ही साथ नंबर वन पे अपना स्थान बरकरार रखते हुए आरसीबी की टीम मौजूद है। कल भी काफी क्लोज मैच हुई थी, दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में ये मुकाबला खेला गया था, बट काफी क्लोज मैच हुई है, और आखिर में ऋषभ पंत और सिमरन हिटमायर ने पूरी कोशिश की थी। बहुत ही कमजोर फील्डिंग देखने को मिली है आरसीबी से कल, और देवदत्त पड्डीकल जैसे बहुत ही अच्छे फील्डर ने बहुत ही अच्छे अच्छे कैचेस छोड़े, उसके साथ ही साथ जो मौके बने थे सिमरन हिटमायर के और ऋषभ पंत के तो उन्होंने छोड़े, तो इसके चलते ही इतनी आगे तक मैच गई, नहीं तो पहले ही जीत जाते ये मैच, बट एक रन से सिर्फ जीते हैं। और आखिर में 2 ओवर जो डाले हर्षल पटेल, और यहाँ पे खासकर मोहम्मद सिराज को क्रेडिट देना होगा, जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर गेंदबाजी की है, पहला बॉल जरूर डायरेक्ट था बट उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाए, 4-6 नहीं लगा पाए ऋषभ पंत, एक ही रन मिली सिर्फ, डायरेक्टली हाथ में चला गया था बॉल, बट उसके बाद में बहुत ही अच्छा कमबैक किया सिराज ने और अच्छे जगह पे सटीक यॉर्कर यहाँ पे मारी, और इसके चलते हुए ये मैच यहाँ पे आरसीबी ने जीत के नंबर वन पे खड़ी है अभी आरसीबी की टीम।
तो यार नंबर वन पे तो आरसीबी की टीम है, बट लास्ट में अगर बात की जाए तो लास्ट में अभी सनराइजर हैदराबाद की टीम है, उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस सीजन, और ये सीजन बहुत ही उनके लिए बहुत ही बुरा चल रहा है। पिछली मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ थी, सुपर ओवर तक चली गई थी, सुपर ओवर में सात रन सिर्फ बना पाई क्योंकि एक रन शॉर्ट रह गए, एक शॉर्ट रन मिली इसके चलते सात रन सिर्फ बना पाए सनराइजर हैदराबाद। डेविड वॉर्नर ने बहुत ही लंबे लंबे चौके छक्के लगाने की कोशिश की बट बिल्कुल भी लगा नहीं पाए। मेरा डिसीजन ये था कि मतलब उस टाइम जगह अगर बेस्टो को खिलवाते सुपर ओवर में तो ज्यादा अच्छा होता। अक्षर पटेल को बहुत ही अच्छे अच्छे हिट लगाते वो, और किसी भी बॉलर को अच्छे अच्छे हिट लगा सकते थे वो, और बिल्कुल भी फ्रेश थे, बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे। बट केन विलियमसन की अगर बात की जाए तो थोड़े से थके हुए बिल्कुल भी होंगे, जिस तरह से बैटिंग की थी मतलब लगभग 20 ओवर तक उन्होंने बैटिंग की थी, उसके बाद में सुपर ओवर में आके लंबे लंबे छक्के लगाना आसान नहीं काम होता दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बेयरस्टो को अगर वहां पे खिलाते तो उनके लिए फायदेमंद रहता, बट क्या अभी तो मैच तो हो गया बट इसके चलते हुए लास्ट में पहुंच चुके अभी सनराइजर हैदराबाद, वो मैच भी हार चुके हैं और पांच में से सिर्फ एक मैच जीती है उन्होंने। बट इसके चलते हुए अभी टी नटराजन उनके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, अगर डेथ बॉलिंग की अगर आप देखो खलील अहमद जरूर अच्छे बॉलर है, अच्छे विकेट भी निकालते हैं, बट उससे ज्यादा अगर इम्पैक्टफुल कोई बॉलर है और यॉर्कर किंग अगर उनके पास अगर देखे तो बिल्कुल भी टी नटराजन के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद को भी थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी जरूर, क्योंकि टी नटराजन की इंजुरी के ऊपर अपडेट आया है और सर्जरी इज सक्सेसफुल, तो बिल्कुल भी लौट सकते हैं, पता नहीं कि कब लौटेंगे बट लौट तो सकते हैं, देखते कि क्या होता है आगे, बट वो अभी रिकवर होने में लगे हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो बिल्कुल भी थोड़े समय बाद हमें वो देखेंगे। बट तब तक अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे सस्टेन करना होगा सनराइजर हैदराबाद को, दो तीन मुकाबले जो अभी चार पांच मुकाबले जो बचे हैं उसमें से दो तीन मुकाबले जीतने होंगे, तो इसके चलते अगर वो जीतते हैं तो टी नटराजन आखिर में आके उनको जरूर फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है आगे टूर्नामेंट में, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरे आपके वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने आता हूँ इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता हूँ तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।